छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को 4 महीनों से भी कम समय बचा था। उसी वक्त जैसे मीठे दूध में नमक गिरे, वैसे ही बड़ा संकट आ पड़ा। नेसरी के युद्ध में हिंदवी स्वराज के सर सेनापति प्रतापराव गुजर बहलोल खान के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब राज्याभिषेक की धामधूम में सर सेनापति किसे बनाया जाए, ये यक्ष प्रश्न श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में था। जिस बहलोल खान से युद्ध करते समय प्रतापराव गुजर धारातीर्थी हुए, उसी बहलोल खान को एक वीर योद्धा ने अपनी ताकत से शिकस्त दी और बड़ी विजय प्राप्त की। उसी वीर योद्धा को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का अगला सर सेनापति नियुक्त किया। उस वीर योद्धा का नाम था हंसाजी मोहिते। मैं शशांक आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1640 में हंसाजी मोहिते का जन्म सातारा जिले के तलबीड़ में हुआ था। उनके पिता संभाजी मोहिते शाहजी राजे की सेना में कार्यरत थे। हंसाजी मोहिते की बहन थी सोयरा रानी। इसी सोयरा रानी का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ था और वो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी बनी थी। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हंसाजी मोहिते के बहनों ही थे। राज्याभिषेक के पहले हंसाजी मोहिते को छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंबीर राव इस किताब से पुरस्कृत किया। तब से हंसाजी मोहिते सर सेनापति हंबीर राव मोहिते इस नाम से प्रचलित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ पर संपन्न हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत बाद सर सेनापति हंबीर राव मोहिते जी ने अपनी तलवार की धार को और तेज किया और बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर मुगली सल्तनत पर हमला करने की ठानी। उस वक्त दिलेर खान और बहादुर खान ये दो सरदार दक्खन में मुगल सल्तनत की रक्षा कर रहे थे। कुछ कारणवश औरंगजेब ने अपने सरदार दिलेर खान को दिल्ली बुला लिया। अब पेड़गांव में बहादुर खान अपनी 35,000 की सेना के साथ ऐशो आराम कर रहा था। हंबीर राव मोहिते ने 9,000 की सेना अपने साथ ली और पेड़गांव पर हमला कर दिया और हो सके उतनी धनराशि मुगलों से वसूल की। जब बहादुर खान की सेना मराठा सेना के सामने आई तब मराठा सेना उल्टे पांव वापस जाने लगी। मुगल मराठों का पीछा करते करते बहुत दूर तक आए। तब तक पेड़गांव के आसपास छुपी हुई बाकी मराठा सेना ने मुगली छावनी पर हमला कर दिया। उधर मुगल मराठों का पीछा करते हुए थक गए और वापस पेड़गांव आए और वहां पहुंचते ही देखा कि मराठों ने पूरा मुगली खजाना लूट लिया था। बहादुर खान अपनी इस हार का शोक मना ही रहा था कि तब हंबीर राव के नेतृत्व में मराठा सेना वापस घूमी और उन्होंने पेड़गांव में बहादुरगढ़ की तरफ अपना मोर्चा निकाला, जहां बहादुर खान डेरा डालकर बैठा हुआ था। हंबीर राव ने अपनी 9,000 की सेना को 2 भागों में बांटा। एक तरफ 7,000 की सेना थी और दूसरी तरफ 2,000 की सेना। 7,000 मराठों की टुकड़ी एकदम से शोर मचाते हुए बहादुरगढ़ की तरफ निकली। जब बहादुर खान ने वो शोर सुना तो उसे लगा कि मराठा एकदम बड़ी संख्या में उस पर हमला कर रहे हैं। उसने अपने साथ किले पर मौजूद पूरी की पूरी 35,000 की सेना साथ में ली और मराठों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। मराठे भी हर हर महादेव की घोषणा देकर हमले के लिए आगे बढ़े। जब मराठा और मुगली सेना एकदम आमने सामने आई तब मराठे वापस मुड़े और डरने का नाटक करके भागने लगे। ये देखकर बहादुर खान अचंभित हुआ और उसने कसम खाई कि अब मराठों को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे और वो मराठों का पीछा करने लगा। मराठा सेना उसे पुणे के कात्रज घाट तक ले आई। उधर दूसरी तरफ बची हुई 2,000 की मराठा टुकड़ी ने बहादुरगढ़ पर हमला कर दिया। उस वक्त किले पर मात्र एक ही सिपाही था। बहादुर खान मराठों का पीछा करते हुए थक हार के वापस मुड़ा और जब किले के पास पहुंचा तब जलते हुए किले के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। सर सेनापति हंबीर राव मोहिते के कुशल नेतृत्व में मराठों ने रक्त की एक बूंद भी न बहा के 1 करोड़ की नगद और 200 अरबी घोड़े मुगलों से लूट लिए थे। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हुआ बहुत सा खर्चा वसूल हो गया। इस युद्ध के बाद मराठी में पेड़गांव का शहाना यह मुहावरा प्रचलित हुआ। पेड़गांव की जीत से हंबीर राव ने अपना दबदबा बनाया। इसके बाद सर सेनापति हंबीर राव मोहिते जी ने रामशेज, प्रतापगढ़, बुरहानपुर, खानदेश, वरहाड़, वरकड़ ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में अपनी शौर्य का परिचय दिया और बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने अगली मुहिम आदिलशाही सल्तनत के खिलाफ निकाली और कर्नाटक प्रांत के कोप्पल में आदिलशाही पठानी सरदार हुसैन खान को बड़ी मात दी। हंबीर राव ने हुसैन खान के भाई अब्दुल रहीम को मौत के घाट उतार दिया और हुसैन खान को कैद करके छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष खड़ा किया। हंबीर राव मोहिते जी ने इस प्रांत की जनता को हिंदवी स्वराज्य की छत्रछाया में लाया। सर सेनापति हंबीर राव मोहिते जी का सबसे बड़ा योगदान था छत्रपति शिवाजी महाराज की महत्वाकांक्षी मुहिम दक्षिण दिग्विजय में। इस दक्षिण दिग्विजय की मुहिम में दक्षिण भारत का बहुत सा भूभाग जो इस्लामिक आक्रांताओं के चंगुल में फंसा था उसे हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया गया। हंबीर राव मोहिते जी ने चिदम्बरम,
कावेरीपट्टम, जगदेवगढ़ और वृद्धाचलम जैसे मुख्य किलों को जीतकर हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया। दक्षिण दिग्विजय की मुहिम में कठिन किलों में से एक था वेल्लोर का किला, जो आदिलशाही सल्तनत के अंतर्गत था। उस किले को चारों ओर गहरी खाई बनाई गई थी, लेकिन सर सेनापति हंबीरराव ने अपनी बुद्धि कौशल का उपयोग करते हुए किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी और धीरे धीरे किले का सारा राशन खत्म हो गया। आखिरकार आदिलशाही सरदार अब्दुल्ला शाह ने हार मान ली और किले को हंबीरराव मोहिते जी के स्वाधीन कर दिया। इसके बाद 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय करके रायगढ़ लौटे। सर सेनापति हंबीरराव मोहिते ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर आखिरी युद्ध जालना में मुगलों के खिलाफ किया। इसमें मराठों को बड़ी जीत मिली। कुछ दिनों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ा और 3 अप्रैल 1680 को भारत के सबसे शूरवीर परम प्रतापी सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए। उस वक्त शिवपुत्र संभाजी महाराज पन्हाला किले पे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए हिंदवी स्वराज्य के कुछ मंत्रियों ने निजी स्वार्थ के लिए शिव छत्रपति के बड़े पुत्र शंभूराजे को राजा न मानते हुए उनके छोटे पुत्र राजाराम महाराज, जिनकी उम्र मात्र 10 साल थी, उनको राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। राजाराम महाराज सोयरा रानी साहब के पुत्र यानी सर सेनापति हंबीरराव जी के सगे भांजे थे। सर सेनापति हंबीरराव को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि नियम के अनुसार शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज को राजा बनना चाहिए था। सर सेनापति हंबीरराव जी ने भ्रष्ट मंत्रियों और लालची लोगों का साथ न देते हुए, साथ ही अपने भतीजे राजाराम महाराज की परवाह भी ना करते हुए, धर्म के अनुसार श्री छत्रपति संभाजी महाराज का समर्थन किया और उन्हें शिव छत्रपति का असली उत्तराधिकारी बताते हुए राजगद्दी पर बिठाया। इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज के समक्ष उन सभी भ्रष्ट मंत्रियों को सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी ने प्रस्तुत किया, जो राज्य के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि सर सेनापति हंबीरराव कितने कर्तव्यनिष्ठ सेनापति थे। छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शंभूराजे ने राज्याभिषेक के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सबसे पूछा कि औरंगजेब का सबसे चहिता और धन से भरपूर शहर कौन सा है। तब मंत्रियों ने बताया कि औरंगजेब भावनात्मक रूप से बुरहानपुर से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब की मां मुमताज महल की मृत्यु यहीं पर हुई थी। साथ ही औरंगजेब की दोनों बहनें रोशन आरा और गोहर आरा और दोनों बेटे आजम और मुआजम का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। व्यापारिक दृष्टि से भी ये शहर बहुत महत्वपूर्ण था। दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाले बुरहानपुर में 17 व्यापारिक केंद्र थे। फिर छत्रपति संभाजी महाराज ने सर सेनापति हंबीरराव मोहिते के साथ बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व सर सेनापति हंबीरराव कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व खुद शंभूराजे कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को बुरी तरह से कुचल दिया और बहुत धनराशि प्राप्त की। हंबीरराव मोहिते जी ने इसके बाद अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और हिंदवी स्वराज्य को नई बुलंदियों पर पहुँचाया। कुछ सालों बाद हंबीरराव जी ने अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह शिवपुत्र राजाराम महाराज के साथ करवाया। ये हंबीरराव मोहिते की पुत्री वही भद्रकाली तारा रानी साहेब है, जिन्होंने बाद में दक्खन में मराठों को खत्म करने के लिए आए मुगल बादशाह औरंगजेब को वापस कभी दिल्ली लौटने नहीं दिया और महाराष्ट्र की भूमि पर तड़पा तड़पा कर मरने के लिए विवश किया और कई सालों तक बखूबी शासन किया। ईस्वी सन 1687 में औरंगजेब ने अपने खूंखार सरदार सरजा खान को हिंदवी स्वराज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने स्वराज्य में बहुत लूटमार मचाई। आखिरकार वाई के पास सरजा खान को शिकस्त देने के लिए सर सेनापति हंबीरराव अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उस युद्ध में उन्होंने एक और बार अपने शौर्य का परिचय दिया और उस युद्ध में भी बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जख्मी अवस्था में पड़े एक मुगल सैनिक ने चुपके से एक तोप का गोला चलाया, जो सीधे जाकर सर सेनापति हंबीरराव जी से जाके टकराया। सर सेनापति का बलदंड शरीर जमीन पर आ गिरा और एक महान मराठा योद्धा की मृत्यु हुई। इस युद्ध में जीत कर भी हिंदवी स्वराज्य ने अपना अनमोल हीरा खो दिया। सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी के बाद भी उनकी अगली पीढ़ियों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। प्रतापगढ़ की एक लड़ाई में उनके वंशज कान्होजी हंबीरराव मोहिते ने अपनी तलवार से 600 मुगली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी वो तलवार आज भी प्रतापगढ़ के भवानी मंदिर में रखी हुई है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो सर सेनापति हंबीरराव मोहिते थे, लेकिन ये पराक्रम करने वाले सर सेनापति नहीं, उनके वंशज महान सरदार कान्होजी हंबीरराव मोहिते थे। ऐसे वीर योद्धाओं के कारण ही भारत भूमि और हिंदू धर्म आज जीवित है। सर सेनापति हंबीरराव मोहिते जी को शत शत नमन। आई एम शशांक, साइनिंग ऑफ।